भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं अभी आया हूं हसनगढ़ गांव में और यहां पे अंदाजा सा 5-5.5 हज़ार वोट हैं और 4500 पोल हो जावे। खास बात यह है कि इस गांव में पिछली बार दुष्यंत जी 1600 एक वोटा जीते थे, आज यहाँ पे दुष्यंत जी का एक कार्यक्रम है तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है जी। क्या काम करते हैं सर? मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ जी। अच्छा जी। हाँ। तो हमारी बात एक लेक्चरर सर से हो रही है और काफ़ी एक जो रिस्पांस है वो पूछते हैं हम कैसा रहेगा यहाँ का। सर जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, हाँ, पूरे हरियाणा में बिल्कुल, क्या वो जातिगत चल रहे हैं? नहीं, दो तरह की बातें हैं। हाँ जी, एक तो जातिगत और दूसरा सोच के ऊपर, जो पॉजिटिव सोच यानी विकास की जिसकी जो बातें चल रही हैं, सेंटर लेवल तक की बातें चलती हैं। रूट लेवल पर अगर हम विकास की बात देखें तो नुमाइंदा कैसा है हमारा, वो हमारी बात सुन पाता है या नहीं सुन पाता है, या विकास कर पाता है नहीं कर पाता, इस बात को, जो सोच जिसकी बढ़िया है, बुद्धिजीवी जिसको हम कहेंगे, वो इस बात को देखकर वोट देगा कि ये हमारा नुमाइंदा कैसा है। यानी व्यक्ति विशेष की बात है। पार्टियां बहुत हैं जी जी, और नारे बहुत हैं, मैनिफेस्टो हमारे जो खास करके जो अनपढ़ तबका है हमारा जी, नागरिक जी, वो नहीं पढ़ पाता जी जी। बुद्धिजीवी आप जैसे चैनल दिखाते हैं या रेडियो टेलीविजन अखबार से पढ़ते हैं उससे देखते हैं जी जी जी। सबसे मेन बात यह है कि आज का जो हमारा नुमाइंदा है वो किस प्रकार का है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जितने भी MP बने, हम जब तक क्योंकि सरकारी नौकरी में थे परंतु पढ़ते तो थे, टेलीविजन देखते थे, मीडिया से जुड़े हुए थे, हमने किसी भी MP के ये नहीं देखा कि वो संसद में जाकर के क्या बातें उठाता है। हम 4 यानी 5 साल जो पीछे का जो दौर था, हमने ये देखा, हमारी कोई जान पहचान नहीं थी दुष्यंत से, हम नहीं जानते थे, हम सिर्फ माध्यम था हमारा आप लोग या प्रचार माध्यम था। वहां से हम ये पढ़ते थे कि ये एक ऐसा नुमाइंदा है जो हल्के की सारी बातें संसद में उठाता है। ये अहमियत आज जाने लगे लोग कि संसद में कानून बनता है और जो लोग कानून की बात जहां उठती है वहां हमारी बात को उठाते हैं, तो असली जो हकदार है हमारी नुमाइंदगी का वो शख्स है। तो आज मतलब ये दौर है कि हमारा सौभाग्य है, मैं तो ये कहता हूं सौभाग्य है कि ऐसा प्रतिनिधि हमें मिला है जो हमारी बात को वहां सेंटर तक पहुंचा सकता है जी। चाहे किसान की बात हो, एक छोटी सी बात जो आपने देखा होगा मीडिया में, ट्रैक्टर वाला मामला था जी जी जी। या एक सबसे अहम बात होती है कि इस सरकार में या पिछली सरकारों में जो ग्रांट थी संसद की, सांसद को जो खर्चना होता था वो पिछले जितने भी MP थे वो पूरी नहीं कर पाए। लोगों में एक विश्वास है कि ये आदमी जो कहेगा वो करेगा। एक छोटा सा गांव है हमारा जहाँ 5000 के करीब वोट है, यहाँ फोगिंग मशीन लगा लो या टैंकर लगा लो या पर्स की रिपेयर की लगा लो, गलियाँ की लगा लो, ग्रांट इस आदमी ने दिलाई है अपने संसद निधि से जी। तो ये सभी जानते हैं कि भाई काम करने वाला प्रतिनिधि हो। तो आज जातिगत है परंतु जात से ऊपर उठ के जो आदमी थोड़ा सा उठ जाता है कि जाति कुछ नहीं, धर्म कुछ नहीं। एक बात बताइए, फॉगिंग मशीन का, पानी के टैंकर का, इस टाइप के जो हम मुद्दे उठाते हैं, हाँ। भाई दुष्यंत जी ने इतना किया, फॉगिंग मशीन मेरे ख्याल 5-7 हज़ार रुपए की आ जाती है, मैं ये पानी का टैंकर भी, हाँ, बिल्कुल आपकी बात, तो इस बात का ज्यादा सा इशू क्यों बना लेते? नहीं, ज्यादा नहीं, मैं कहता कि कम से कम इस आदमी ने शुरुआत तो की, सोच तो है कि ये गाँव के लिए कुछ कर रहा है। और हमारी अभी अभी आएंगे, हमारी एक डिमांड है, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हमारा जी पूरा करे, हाँ, हम गाँव में ई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज जमाना है कंपटीशन का, हमारे बच्चे हिसार जाते हैं यहाँ से 50 किलोमीटर जहाँ लाइब्रेरी है, 1000 रुपये वहाँ किराया देते हैं लाइब्रेरी में बैठने का। और जितनी भी SSC की हो चाहे HPSC की हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं वो आजकल ऑनलाइन होती हैं जी जी जी। हमारे बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, अगर हम एक ऐसी व्यवस्था कर पाए, और वो तभी कर पाएंगे कि हमारे पास ऐसा प्रतिनिधि हो जो हमारी इस बात को समझ पाए। तो आज हमारी यही है, गांव वालों से मैं खास करके यही गुजारिश करूंगा, मैं गांव 35 साल के बाद आया हूं। अच्छा जी, कहां रहे? मैं हिसार रहता था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं हमारा, मतलब हम, हमारा काम था सिर्फ बच्चे पढ़ाना जी जी, जी। राजनीति से हम कोसों दूर थे जी जी, परंतु आज हमें यह आवश्यकता लगती है, जरूरत, कि लोगों के बीच में जाना चाहिए हमें और ये बताना चाहिए कि कौन है वो प्रतिनिधि जो हमारी बात को उठा सकता है। तो हमारी तमन्ना है ये जी कि हमारे गांव में एक ई लाइब्रेरी हो। गुड जी, धन्यवाद। वाह जी वाह। तो अभी हम दुष्यंत जी आएंगे, उनसे भी बात करेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, अलग तरीके का थोड़ा सा, तो बात करते हैं। नमस्कार जी।
नमस्कार जी। और जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। इसी गांव से ही? हाँ, इसी गांव से। तो गांव में क्या कुछ सुधार हुए हैं? गांव में दुष्यंत जी ने बहुत काम करे जी। हाँ, अपने एमपी कोटे से बहुत ग्रांट दी है। अच्छा जी। हाँ, सभी जनता इससे खुश है, हमारी आवाज संसद में उठाता है, हमें सौभाग्य है इस हार का होने का नाता कि हमारा 12 अगस्त में हमारा। अच्छा, एक बात बताओ, मतलब कई बार कोई एमपी हर अपने लोकसभा क्षेत्र में हर गांव नहीं जा पाता, क्या दुष्यंत जी 5 साल इस गांव में आए हैं या इलेक्शन के टाइम पे ही आए? एक बार नहीं, 3-3 बार इस गांव में आ चुके। अच्छा। ब्याह शादी में, मुकाने में, हर बार एक मिनट में फोन होता है, सुख दुख में हर 24 घंटे यहाँ खड़े रहते हैं। ऐसा एमपी हमें कभी देखा? जब यहाँ गाँव में कोई समस्या होती है, राम राम जी, जब गांव में कोई समस्या हो, गांव के लोग इकट्ठे होकर जब जावे हैं एमपी साहब से मिलना, मिलने में है कि नुका दे कल परसों आइयो भाई? नहीं मिलते हैं जी, बिल्कुल सब समस्या, बिल्कुल सब सारी सुने हैं, सारी सुने के साथ है, कोई कैटरिंग बंद नहीं करता। अच्छा जी, भाई हम तो शबर का नेता नहीं पड़ा, बढ़िया आदमी, एक नंबर। अच्छा जी, और क्या कुछ कहना चाहोगे भाई दुष्यंत जी के बारे में? बढ़िया जी, बहुत अच्छा, बढ़िया आदमी है, काफी मेरे अखबार। नमस्कार जी, मैं राजकुमार वाल्मीकि बोल रहा हूँ और इस पार्टी में पहले चोर देवलाल के साथ रहा, मैं 42 साल से इस पार्टी में हूँ और चौधरी अजय सिंह को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और ये चोर देवलाल की नीतियों पर चौधरी अजय सिंह जी चौटाला हैं, जो कि जन आक्रोश यात्रा में उनके साथ लाखों लाखों जनता चली थी, पिपली पर ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, छत्ती बिरादरी के लोगों, ऐसी सेल, बैकवर्ड सेल, बुद्धिजीवी सेल, सभी प्रकार के सेल थे, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या। आप इतने साल इनेलो पार्टी के साथ थे, अभी जजपा में, जजपा में, तो आपका दिल क्या चाहता है कि जजपा और इनेलो एक साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, दुष्यंत जी चौधरी देवीलाल की दूसरी कॉपी है और इसके अलावा जो परसों रैली थी, जो कि 1.5 लाख के करीब केजरीवाल जी, दुष्यंत जी थे वहाँ, 10 साल का लड़का एक इंटरव्यू लेने जा रहा था तो वो उठा करके दुष्यंत जी के पास खड़ा कर दिया, दुष्यंत जी ने उन्हें आदर से बुलाया, उसको पुचकारा, देखा भी होगा मैंने, ऐसा कोई आदमी तो इनकार कर देता है, कोई ऐसा लीडर होता तो उनको वो प्रोटोकॉल का बहाना देकर मिलने नहीं देते। हाँ, होता है, एक मिनट प्लीज। हाँ जी जी। तो इसलिए दुष्यंत जी चौधरी देवलाल की एक कॉपी है, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में किसानों के प्रति भी काम किया, बैकवर्ड क्लास के भाइयों के प्रति काम किया, दलितों के प्रति काम किया, हर छत्ती बिरादरी के प्रति काम किया, लेकिन जो भाजपा सरकार है इसने स्वामी नाथन की रिपोर्ट को लागू किया। चलो वो बात बाद में कर लेंगे, वो बात अलग है। बढ़िया नेता जी। बोलो हमारा प्रधान जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ कहना है जी आपका मौजूदा एमपी के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वोट मांगने के लिए आए थे, आज वोट ही मांगने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, किस हक से सवाल आ गए दुष्यंत जी का? बीच में आए तो कौन, कभी यहाँ पे कभी नहीं आए? हाँ जी, पहले 2-3 बार तो आए हैं। आज ना जी, आज सुबह पता चला 21 लाख रुपये ग्रांट आई होगी। दो तीन बार आए हैं ऐसा कह रहे हैं गांव वाले। मेरी याद कौन फिर? फिर ना को ना क्या है नाम ना मेरी इसी बात तो कौन आए कौन? हाँ और बोलो जी, गांव वाले तो नुको आए हैं यार, आप नुको को नहीं आए? एक पकवा जो है, एक पकवा जो किसी पे 21 लाख आए भाई, गोडा नुआन भी आ भाई, तो आए हैं 21 लाख रुपये ग्रांट आई है। फिर वो कितना आए भी आए हैं भाई साहब, खुशी में भी आए हैं और ब्याह आए हैं भाई। भाई युवा नेता है, दिल तस्वूर है, गांव में भी आए हैं, 2-3 बार आए हैं, बीच में भी आए हैं, खुशी में, शादी में, समारोह में, हर समय आते हैं। और भाई दूसरे चौटाला को दिल से सपोर्ट है। तो ये काम के कौन से आप काम के कौन तो भाई? अरे ना यार, देखो दुष्यंत जी आऊंगा तो भाई दुष्यंत जी। हाँ जी, भाई बड़ा भाई। अरे ना यार, लो भाई बोलो, जगदीप शर्मा की जय। हाँ जी, हाँ जी, कुर्ता भूल गया, देखो जी, देख लो ना, देख लो बनने कुर्ता छिपनी से मोर लेगी बकुलंदा मा। अच्छा, कुर्ता फूक दिया पास। अच्छा, काम तो करे हैं 21 लाख। चलो जी, तो भाई ये था कार्यक्रम यहाँ का, एक भाई और है उनसे मिल लेते हैं। मुन्नी बाजे बस भाई, तो जी अभी दुष्यंत जी आएंगे तो उनका भी एक इंटरव्यू हो जाएगा, पूछते हैं उनसे भी कि गांव में आए हैं कि नहीं आए हैं, बाकी तो सारे कहाँ आए हैं, बाकी नट्टे हैं, देखेंगे भाई। और काफ़ी लोग यहाँ बैठे भी हैं और भीड़ भी अच्छी हो रही है और नीचे भी खूब पब्लिक है, देखेंगे भाई।
ठीक है भाई, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय भाई।